तुमने क्या बोला? चुप, सेलो टेप लगी दो। प्यार बांटना चाहिए। फाइनली 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 ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे उंगली के सामने आया तुमको नहीं चना घोड़े का। अलमारी से बाहर निकल के थोड़ा हवा खाने का देखो। अरे आज भी साड़ी पहनने दे। हाँ आज भी चैनल। आज स्वीटी का डिजाइन हो रहा है हेयर पे, बोले थोड़ा डिजाइन कर दो। एक्चुअली मुझे उतना ज्यादा हेयर के बारे में मतलब उतना ज्यादा कुछ करना नहीं आता है, ऐसे प्लेटी वैटी बनाना आता है क्योंकि मेरा हेयर था ही नहीं बचपन से कभी, तो इसलिए कभी किया ही नहीं। प्लेटी बनाती थी वो भी 9th स्टैंडर्ड के बाद, जब हेयर थोड़ा सा मेरा 9th स्टैंडर्ड में मैं दो चोटी बांधी थी इतना इतना। आज कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। हेलो हेलो, आप सब कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे रहेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों का जो कमेंट्स आज वीडियो गया है ना, साड़ी पहन के जो वाला वीडियो, वही वाला वीडियो का अभी कमेंट्स चेक कर रही थी क्योंकि कमेंट्स चेक नहीं कर पा रही थी। स्वीटी नेल पॉलिश लगाई। स्वीटी का नेल्स दिखाओ पहले, क्रिसमस देखो। अरे आज भी साड़ी पहनना था। हाँ आज भी साड़ी पहनना था, दिखाओ ना ठीक तरह से। नीचे करो नीचे पहले, रुको। स्वीटी का नेल्स देखो अभी क्रिसमस है, लेकिन इसमें ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन नहीं है इसीलिए ये वाला अच्छा लग रहा है। 1 2 3 4 बोले पीछे भी करो, टाइम लगेगा, लेकिन पीछे मैंने खोल के रख दिया इस तरह से। इसका ये रैबिट अभी निकला है ना नया घोंसले से, इतना दिन बेचारा घोंसले में था। ये जो है ना ये पुराना उसका बैग है बचपन का, तो पहले लेती थी उसके बाद छोड़ दिया था, अभी फिर से उसको बेचारा ठीक है ना, उसको थोड़ा सा बोलता है ना अलमारी से बाहर निकल के थोड़ा हवा खाने का मौका मिला। और अभी हम लोग जा रहे थोड़ा बाहर, कहाँ जा रहे वो तो आगे आगे देखते जाओ। एक दिन बांधूंगी पूरा, ये जो हेयर है ना पूरा बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसमें काफी टाइम लगता है क्योंकि इतना पतला पतला बांधना पड़ता है ना। मेरा ड्रेस तो मैं तो दिखाऊंगी ना, ऑब्वियसली दिखाऊंगी। हाँ जो ड्रेस है ये लोकल स्टोर से खरीदा था। आज राजमा चावल खाया फाइनली। कल जो राजमा शांतनु ने बनाया था ना, आज अच्छी तरह से चावल के साथ खाया। कल रात को भी खाया था चावल, इतना सा था फ्रिज में, चावल ज्यादा नहीं था। राजमा चावल के साथ अच्छी तरह से ना खाए तब तक राजमा राजमा नहीं लगता। आप लोगों को कैसा लगता है, राजमा चावल के साथ अच्छा लगता है या रोटी के साथ? मुझे तो चावल के साथ, बासमती चावल के साथ स्पेशली। दो उसके ऊपर और थोड़ा अनियन चॉप्ड, और अनियन अभी महंगा है, चटनी दही और वो ग्रीन वाला चटनी, थोड़ा क्यूकम्बर, थोड़ा साइड में अचार। भूख लग गई, नहीं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, मेरे सच में भूख लगी। सोचे सोचे आप लोगों को लग रहा है ना थोड़ा भूख। कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दो तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा दिन का, उस दिन का मेरा वीडियो ना कुछ करप्ट हो गया था फाइल, तो उसके बाद वो फाइल फाइनली कल मैंने उसको रिकवर कर लिया। शांतनु ने थोड़ा बहुत हेल्प किया उसके लिए, थैंक यू शांतनु। उस दिन मैंने कुछ सब्जियां बनाई थी बहुत यम्मी वाला, शांतनु को जो बहुत पसंद है, तो वो कर क्या रहे हो उसको, उसको ठीक करना है। तो वो दिन का जो वीडियो है थोड़ा सा जो मैंने बनाया था लंच में, दोपहर का नहीं, दोपहर का नहीं, लंच में जो बनाया था वो पहले चेक करो। हाँ तो अभी देख तो रहे हो जो जो टाइम पे वैसा ही समझ लो मेरा, आप लोग मेरे फ्रेंड हो ऐसा समझना पड़ेगा। तो वीडियो चेक करो उसके बाद वापस मिलते हैं फिर से। किचन में क्या लाइट आ रहा है देखो, मैंने अभी भी लाइट नहीं जलाया, सिर्फ ये छोटा वाला लाइट जल रहा है क्योंकि वो जो सामने का वॉल है ना वहाँ पे एकदम सूर्य देवता ऐसे करके छिड़क रहा है, मतलब अपना जो भी लाइट है, हाँ अपना छड़ी से लाइट छिड़क रहा है और वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, अच्छा लगता है। लेकिन लाइटें वाइटें जलाना पड़ेगा क्योंकि जब शूट करते हो ना तो ज्यादा नहीं लाइट होता है ना, तो कैमरा का पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल पे कलौंजी, सौंफ और मेथी और पोटैटो छोटा छोटा काट के, सूखी मिर्च, तेज पत्ता और इसको फ्राई करना है। पोटैटो जो फ्राई हो जाएगा, स्लाइस अनियन पतला करके स्लाइस किया हो, अनियन हल्का सा गोल्डन फ्राई हो चुका है, इसमें चॉप टोमेटो एक टमाटो में डाल दी हूँ, सॉल्ट भी दे दूंगी तभी टमाटो सॉफ्ट हो जाएगा। मसाला भून चुका है, इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक धनिया जीरा पाउडर, धनिया अक्खा, धनिया अक्खा जीरा को मैंने पेस्ट किया जिंजर गार्लिक के साथ, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, हल्दी थोड़ा सा, और इसमें और एक चीज डालूंगी थोड़ा सा टोमेटो केचप, ये ऑप्शनल है।
और मसाला भूनने के बाद मैं इसमें चना बॉयल करके दिया है। ये नॉर्मल बॉयल भी कर सकते हैं, नॉर्मल चना जो घोड़े का होता है, घोड़े चना खाते हैं वही, जस्ट इस तरह से बॉयल करना है। तो इसको अभी कुछ देर बॉयल करके बस हो गया ये रेसिपी। ये रेसिपी जस्ट बॉयल होगा, मैं उतार दूंगी, हो गया। और इसमें लास्ट में थोड़ा सा चॉप्ड धनिया पत्ता, ये बहुत अच्छा होता है, मम्मी बनाती थी सिंपल सा। शांतनु को ये वाला ज्यादा छोले, छोले नहीं चना, चना पसंद है, और मुझे छोले ज्यादा पसंद है। चना स्वीटी क्या चना घोड़े का खाना। ये देखो स्वीटी आके यहाँ पे जो भी स्टिकर बीएमसी लगा के जाते हैं, बीएमसी का स्टिकर लगाते हैं वहाँ पे, जो भी इंफॉर्मेशन वो पढ़ रही थी आके नीचे पहले। अभी कोई नहीं दिखा नीचे ना, स्वीटी नीचे आके पहले क्या बोल रहे पता है, यहाँ पे सारे साइड साइड में छोटा छोटा घर है ना, महाराष्ट्रियन है मैक्सिमम, तो उनका घर पे वो चिकन बनता है ना, एक महाराष्ट्रियन रस्सा टाइप का, मतलब एकदम देसी घर गोती। स्वीटी बोले किसका घर पे कुछ बोल रहे, मैं बोला सुनते सुनते चली जा, चिकन रस्सा। शांतनु भी बोला बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, मैं बोला जाओ, मना थोड़ी करेंगे कोई। हाँ पहले सीट बेल्ट लगाना, नहीं नहीं सीट बेल्ट लगाना बनता है, उसके बाद मैं कभी भी सीट बेल्ट अगर नार भी रहे ना, अरे बाबा साइड में चला जाता है ना ये, मुझे ना ऑटो में जाने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी पता नहीं ये 10 दिनों से घर तक नहीं नहीं पता नहीं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा। जो जो ऐसे ही मतलब सफर करते हैं, सफर जो करते हैं डेली बेसिस पे बस और इसमें, उनको हैट्स ऑफ टू यू, रियली नाक जलता है। मैंने उस दिन गई थी ऑटो पे तो इतना नाक जल रहा था ना, बाप रे। इवन इफ यू ट्राई यू वुडंट अंडरस्टैंड इट, मे बी समथिंग्स मिसिंग इनसाइड ऑफ यू, जस्ट अ बिट ऑफ शुगर टू दैट हार्ट बिटर। अभी हम लोग जियो गार्डन से पार्किंग किया, वहां से एमएमआरडीए ग्राउंड जा रहे हैं, क्योंकि जियो गार्डन में इस बार लील फ्ली नहीं हो रहा है, बॉलीवुड कंसर्ट हो रहा है। अभी शायद किसका गाना सुन रही थी, मोहम्मद इरफान का शो चल रहा था, क्या है बैंड्रा लील फ्ली, ये तो दिख रहा है किड किड, अच्छा क्योंकि वो बैम्बू का चीज़ें है ना, वो अच्छा लग रहा है। चलो अभी देखते हैं क्या है। Maybe you taste different. Hold up, baby, I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blah. किसी का घर है ना, जगह है ना, ये बहुत अच्छा, अरे तुमको ये बहुत अच्छा लगता है, मेरे उंगली के सामने आया, तुमको नहीं बोला, थैंक यू। देखो कैसे बोल रहा है, मैं इसको बोल रही हूँ ये अगर किसी का घर पे जगह है ना तो ऐसा बनाना जरूर है, स्पेशली विंटर में एक पिकनिक एक कोसी कोसी पिकनिक करने के, किसी दिन टिफिन लेके ऐसे खाना बना के शाम को या दोपहर में। देखो मुंबई में कितना ठंडी है, देखो मुंबई पे शॉर्ट्स पहन के आए हैं, आप लोग जहाँ पे ठंडी है आप लोग तो सोच रहे होंगे यहाँ पे कैसे करके ये लोग पहन रहे, ऑब्वियसली मतलब वो तो आप लोग रजाई के अंदर से वीडियो देखोगे, और हम लोग यहाँ पे गर्मी है, गर्मी अब आज तो और भी गर्मी लग रहा है, सोचो गरम गरम हम लोग ना गुम हो रहे हैं, मतलब होता है ना कुंभ के मेले में गुम हो जाना। The sun is going down now, been at it for a while, and I have had enough. Sugar दिया नहीं? मुझे छोड़ के उधर जा रही थी सीधा, मतलब थोड़ी देर घूमते घूमते ना और कुछ मजा नहीं आया। तो खेलो बच्चे, खेलो बच्चों, बच्चों खेलो, खेलो बच्चों। अरे चीटिंग है ये, कंप्लीट चीटिंग, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, जो हाथ लगा के जल्दी जल्दी। हाँ
खुद ही थोड़ी मैं जीत गई, गुड गुड गुड, कुछ मजा नहीं आ रहा। चलो अभी इधर उधर पेट पूजा, पेट पूजा कर हमारा खाना स्टार्ट, क्योंकि खाने के लिए हम आते हैं टेस्ट करने के लिए। देखो खाना तो घर पे भी खा सकते हैं, ये मटन सम्मी पाव और ये है छोले कुलचे। ये छोले कुलचे बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम ऑथेंटिक कुलचे मिलता है, लेकिन मेरा वाला ऐसा नहीं बनता है। यम्मी, खुशबू बहुत अच्छा है। और ये है बैदा रोटी, बैदा रोटी मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी बनाया नहीं। Been at it for a while, and I have had enough of this. I doubt that we can solve it. Been trying for so long. खजाना से आज पैसा निकला शांतनु के लिए, मेरे लिए निकलने गिफ्ट ले रहा है, मेरे लिए गिफ्ट गिफ्ट, थैंक यू। क्या बोल रही है पहले सुनो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, चलो। क्योंकि उसका पेट भर गया, उसका पेट भर गया, मतलब सोचो वो घर जाने वाले, वो स्पेशली वो लिट्टी के आते सिर्फ खाना खाने के लिए। हाँ ऑब्वियसली, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वो कुजीन होता है ना, टेस्ट व्यंजन, हाँ वो टेस्ट करने के लिए जो बाजा, क्योंकि उसका ना स्वीटी को बाहर ले जाने का एक ही मकसद होता है, वो खाना खाती है, मतलब टेस्ट करना उसे, डिफरेंट डिफरेंट मकसद, उसका मकसद होता है। हाँ उसका मकसद होता है, और उसको जब तक नहीं खाना खिलाएंगे ना तब तक वो अच्छी तरह से घूमेगा, उसको उसको यहाँ पे घुसते उसको भूख लग जाता है। हाँ और खाना खिला दिया ना तो बस हो गया, चलो बस हो गया। अभी देखो टिकट का पैसा दिया है, थोड़ा तो घूमना बनता है ना, पैसा वसूल करना है। जब तक ना लाइट बंद हो जाए। हाँ नहीं अभी 10 बज रहे, हवा निकल गया है, तुम्हारा हवा नहीं निकला है, तुम्हारा इसका हवा नहीं निकला है। सेल्फ सर्विस होना चाहिए, खुद ही करो। ये है उसका मशीन, मुझे ना करने का मन कर रहा है, टी 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 हम भी कोड़े देखे। हाँ मुझे भी करना चाहिए, बताओ। 24 भरो भरो 26 पूरा था। अरे प्रेशर क्या है? हाई नहीं करो, तुम्हें ওখানে আওয়াজ হবে টিক টিক করে হচ্ছে, তুমি ছাড়লে তখন তো হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে, ওই জন্য কম হচ্ছে, বুঝতে পারলাম। ঘর আনে কে বাদ তো জো ভি কাম রাতে ও করনা পড়েগা, কিউকি ইয়া পে কাপড়া ও সুখানা পড়েগা, সুখানা নেই रखना पड़ेगा। और हाँ और एक चीज़, लिल्फ्ली गई थी आज, लेकिन पहले जैसा लिल्फ्ली का रौनक नहीं है, क्योंकि उनका मैनेजमेंट मुझे उतना अभी पसंद नहीं आया पर्सनली। मेरा 5-6 साल पहले से जा रही, अभी पता नहीं कुछ कमर्शियल टाइप का लग रहा है, ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया। हाँ क्योंकि एक तो हम पार्किंग किए, पार्किंग का पैसा हम दे रहे, उसके बाद टिकट का पैसा भी बहुत ज्यादा कर दिए है, और वो तो छोड़ो, लेकिन जो शटल के लिए ऑटो था जाने के टाइम, लेकिन आने के टाइम कोई नहीं था। मैंने बोला जो आप लोग क्या कर रहे हो, तब हाँ बोला हाँ, लेकिन बाकी सारे और भी काफी सारे लोग थे, मतलब पार्किंग से MMRDA ग्राउंड काफी दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस में भी काफी चलना पड़ेगा, काफी चलना पड़ेगा वो इतनी रात को तो। लेकिन बोलने के बाद उन्होंने अरेंज किया, तो सोचो जिन्होंने बोला नहीं होगा उनका, मतलब बोला नहीं, वो झाड़ा मैंने, अभी वो पहले जैसा नहीं रहा। मेरा ये पर्सनल रिव्यू है। मेरा फ्रिज मैग्नेट का दो और दोस्त आ गया है, स्वीटी ने हमें और शांतनु के लिए, स्पेशली शांतनु के लिए क्रिसमस गिफ्ट, मतलब वो हमारी सांता है इसीलिए, तो ये वाला ये प्लैनेट टाइप का है, तो वही अच्छा है, पीछे भी बहुत क्यूट सा है। इतना भी मेकअप वेकअप था वो तो उतर गए, मेकअप ज्यादा नहीं किया, हाँ आई शैडो तो लगा था, अभी लिपस्टिक है और जितना भी, और मैंने क्या भी क्या किया था पता, थोड़ा सा आई लाइनर लगाया था अभी, मतलब जब भी मैं कॉन्टेक्ट लेंस खोलती हूँ ना तो पता नहीं काले से फील होता, तो ऐसा ऐसा करके, मतलब जो बच्चा करता है ना, कल मैंने साड़ी के साथ मस्कारा लगाया था, वो तो ऐसा कर दिया था पूरा काला हो गया था। आके क्या कर रहे थे, हमारे जो वीडियोज है देख रहे थे, शांतनु नीचे है, नीचे रिलैक्स करके बैठ गए, चाय लेके आई है, चाय क्योंकि हमारा कड़वा चाय तो वो तो पीना बनता है, हमारे चाय है यम्मी वाला, ये अम्मी ये जब तक नहीं खाएगा तब तक घर में जरूर ट्राई करना ठीक, कड़वा तब तक दिल खुश नहीं होता है, कल तक दिल खुश नहीं होता है, और क्रिसमस ट्री है वैसा वाला। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करो, लाइक करना बनता है, एक एक प्यार है,
प्यार बांटना चाहिए, सबको प्यार करना आस पास में, क्योंकि हमारे गर्ल्स में प्यार ज्यादा होना चाहिए। वॉइस कैसा है? प्यार मांगा है तूने, हमेशा बोलता ना साधु करो नहीं, साधु हमेशा पता नहीं ये क्यों बोलता है, पता नहीं शायद है साधु बोलते तुम्हारे गर्ल्स में ना देखना प्यार कम झलकता है। जब भी वीडियो देखता है ना बॉयज का, मैं ज्यादातर जो मेरा फेवरेट ब्लॉगर है उतना लाइक आता है, ऑब्वियसली पता नहीं क्यों नहीं होता। तो सतम मैं क्या जवाब दूं सांत्वनु को, पता नहीं आप लोग देख, क्योंकि मेरा जितना व्यू होता है उतना लाइक तो गर्ल्स में नहीं होता है, मतलब मैं छोड़ो किसी और का भी नहीं होता है। आज मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था कहाँ पे हूँ, क्योंकि इस टाइप का देखो वीडियो कब जाएगा पता नहीं, कल जाएगा या परसों जाएगा, तब तक इवेंट खत्म हो जाएगा या मैं कहाँ पे हूँ। और कुछ फ्रेंड ने मेरे लिए इंस्टाग्राम खोला है, थैंक यू सो मच। कुछ फ्रेंड ने मेरा लिए यूट्यूब भी अकाउंट खोला है, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्यार झलकना चाहिए। चलो अभी मिलेंगे कल और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी क्रिसमस वेकेशन, एंजॉय करो अच्छी तरह से। इवन इफ यू ट्राई यू सांत्वनु केक के बदले चमन पुरस्कार है, गुई गुई देखो केक के जैसे लग रहा है ना, केक को मेल्ट करने से ऐसे होता है। चुप चुप, तुमने क्यों बोला? चुप, सेलो टेप लगी दो पग सेलो टेप, चुप गुई बोल, ये बहुत गंदा बोल।